स्लेंडर नहीं, बीजेपी का ब्लंडर है। बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किस तरीके से फ्लाईओवर बनवाया जा रहा है और फ्लाईओवर को रोकवाने में किस तरह से माननीय सरजू चचा राय जी जो हैं, वो टाटा स्टील को ऑब्जेक्शन लेटर लिखे, उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। सरजू राय चचा जी ने असुरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन बन्ना गुप्ता जी ने एकदम कूल होकर के अपना काम, लक्ष्य पर अर्जुन जैसे मछली के आंख पर निशान लगाते हुए फ्लाईओवर का निर्माण कराना चालू। ये जिस पार्टी में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, सबसे पहले उसी के लिए भस्मासुर बन जाते हैं। तो बीजेपी ने अपना ब्लंडर किया और अपना राज पूरा शहर से खत्म कर लिया। दीपावली आप सबको भगवान आपके घर में सुख समृद्धि और स्वस्थ रखे, आपको आपकी जिंदगी आप जो चाहे आपको मिले। आज का प्रेस वार्ता माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जो पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर से प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, हम लोग कुछ उनकी उपलब्धियों को बताना चाह रहे हैं आपके बीच में। उपलब्धियों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जो हमारे चीफ परिचित विरोधी समझिए, या झारखंड के विरोधी समझिए, या बन्ना गुप्ता के विरोधी समझिए, आदरणीय परम आदरणीय सरजू चचा राय जी जो हम लोग के पश्चिम विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है, यही ना सर? यहां तक मुझे याद है सिलेंडर छाप है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सिलेंडर छाप जो है, ये सबसे बड़ा बीजेपी का ब्लंडर है। सिलेंडर नहीं, बीजेपी का ब्लंडर है। ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोला जाता है ना, मिस्टेक से बड़ा जो वर्ड होता है ब्लंडर, वो है सिलेंडर नहीं, ये ब्लंडर है। कैसे ब्लंडर है उस पर हम पहले बात करेंगे। हमारे पास तो लिस्ट है, मैं दे भी दूंगा कि बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किस तरीके से फ्लाईओवर बनवाया जा रहा है और फ्लाईओवर को रोकवाने में किस तरह से माननीय सरजू चचा राय जी जो हैं, वो टाटा स्टील को ऑब्जेक्शन लेटर लिखे, उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने सरकारी तंत्र को जितने जितने विभाग है सबको रोकवाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा, वो भी आपके पास प्रस्तुत है। और पिछले दो वर्षों में आपने लिखा होगा कि ये इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता है, टाटा स्टील जमीन दे ही नहीं सकती है, नो ऑब्जेक्शन सरकारी तंत्र से मिल ही नहीं सकता है, पर्यावरण से नहीं मिल सकता है, पॉल्यूशन से, जितनी चिट्ठी वो दे सकते हैं, लिख सकते हैं, सब चिट्ठी को लिखे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये झारखंड का बेटा श्री बन्ना गुप्ता जी ने अपने दम पर सरकार को साथ में लेकर, हेमंत सोरेन जी कॉन्फिडेंस में लेकर, अपने पश्चिम की जनता को और पूरे शहर की जनता को मुक्त कराने के लिए, माने जो जाम से जो मुक्त, जो लोग उधर से आते हैं या हम लोग कभी कभी आते, मुक्त कराने के लिए जितना बड़ा काम का उन्होंने शिलान्यास किया, भगीरथ प्रयास बोला जाता है इसको, भगीरथ प्रयास। बन्ना गुप्ता जी ने भगीरथ प्रयास के माध्यम से फ्लाईओवर का निर्माण, इतने बिकट जो जब देवता असुरों की लड़ाई होती थी तो जितना असुरी शक्ति, तो श्री सरजू राय चचा जी ने असुरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन बन्ना गुप्ता जी ने एकदम कूल होकर के अपना काम, लक्ष्य पर अर्जुन जैसे मछली के आंख पर निशान लगाते हुए फ्लाईओवर का निर्माण कराना चालू। अब मैं जो ब्लंडर बोल रहे हैं, बीजेपी का ब्लंडर, ये सिलेंडर नहीं, बीजेपी का ब्लंडर, कैसे? वो ऐसे कि आप देखिए कि ये आदमी बक्सर से आता है, बक्सर से ये व्यक्ति आता है, झारखंड की जनता, झारखंड में पैदा होने वाले लोग के मन हमारा आपका ऐसा है कि हम लोगों ने उनको सम्मान के साथ में चुनाव जिताया, जो भी वोट बीजेपी से हुआ, किसी भी पार्टी से अगर आकर कोई जीता, उसको हम लोगों ने जिताया चुनाव। लेकिन चुनाव जिताने का इनका सोच क्या है? ये जिस पार्टी में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, सबसे पहले उसी के लिए भस्मासुर बन जाते हैं। आप देखिए कि ये आए और सबसे पहले अपने ही बिरादरी के मिगेंद्र प्रताप सिंह की राजनीति खत्म कर दी वहां से,
ये आए और सरकार में जब मंत्री बने तो सबसे पहले भस्मासुर का काम मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ। तो सबसे पहला ब्लंडर बीजेपी का ये हुआ कि बीजेपी ने इनको, ब्लंडर किसको बोलता है, हम क्या बोले सिलेंडर नहीं ब्लंडर, ब्लंडर किसको बोलता है, जो जाना बूझा गलती और बड़ी जिसकी कोई, जिसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता वो ब्लंडर है। तो बीजेपी ने अपना ब्लंडर किया और अपना राज पूरा शहर से खत्म कर लिया, टोटल अपना राज दे दिया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, रघुवर दास जी। पूरा कोल्हान से एक सीट आज नहीं मिला बीजेपी को और ना ही आने वाले 15 वर्षों में और बीजेपी को एक भी सीट मिलने जा रहा कोल्हान से, क्योंकि मैं तो जगन्नाथपुर से भी हूँ, पूरा कोल्हान का देख रहा हूँ ऑफिशियली। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये ब्लंडर है इनका कि रघुवर दास जी को ये सबसे पहले अपने ही सरकार में रहते हुए मलाई नहीं खाए, पूरा ऐशो आराम किए, सारा चीज किए और उन्हीं का विरोध में खोदे, उनको खत्म कर दिए और वो सब हार गए, उन्हीं के खिलाफ में फिर चुनाव भी लड़े। भाई हमको भी कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी, मैं भी प्रत्याशी था, बहुत ताकतवर प्रत्याशी था। अभी मैं 3 तारीख आप लोगों को बुला कर जब हम हैंडओवर टेक ओवर करेंगे डॉक्टर साहब को अपना बूथ प्रबंधन, आप लोगों को बुलाएंगे, देखिए कैसे होता है, पार्टी काज करता है। पार्टी हमको उस लायक नहीं समझी, नहीं दी किसी को अच्छा समझी दी, अब उसको जिताना काम है ना, आखिर उसका खिलाफ में चुनाव लड़ जाना है, ये बीजेपी के संस्कार में है। और 35-40% बचा पेयजल की समस्या है जो कि इस बार हम लोग उसको कर देंगे। सड़क निर्माण और मरम्मत इसमें जो है 89% 10-11 एक बार दो बार जो जहां बोला वहां सड़क निर्माण का काम को जितना अंदर पूरा विधानसभा में उन्होंने कराने का काम किया है। वैक्सीन कार्यक्रम को तेजी से इन्होंने अपने समय कराया, ये सारे चीज माननीय मंत्री जी के समय में हुआ। और आप वृद्धा पेंशन करीब 50,000 लोगों को हम लोगों ने विधवा पेंशन ऐसे लोगों को अपने हाथ से इसी कार्यालय में बांटा। आप देखिए 365 दिन माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस विधानसभा के लोगों के लिए उपलब्ध है, 365 days into 5 years। कैसे ये अपना कार्यालय में काम करके बैग बैगेज अपने घर से लेके शुक्रवार का शाम को ऑफिस खत्म करके सीधा आते थे जमशेदपुर, यहाँ पर आके शुक्रवार का शाम को बैठते थे इसी कार्यालय में, लोगों से मिलते थे, शनिवार को मिलते थे, रविवार को मिलते थे, सोमवार को जाने से पहले, रांची जाने से पहले मिल करके जाते थे। इसके बाद भी किसी का मृत्यु हुआ, किसी का विवाह हुआ, कोई समारोह हुआ, कोई न्योता दिया तो 100% आते थे, शाम को आते थे फिर रात को वापस जाते थे। कोई ये नहीं बोल सकता किसी भी और ये नहीं पूछे कि आप बीजेपी के हैं कांग्रेस के, सबका काम हुआ। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, एक कांग्रेसी नेता से मेरी बात हो गई थी, बीजेपी के नेता से, हमने कहा कि भाई आप लोग इतना विकास का काम हुआ लेकिन आप लोग बन्ना गुप्ता को गाली देते रहते हैं, विरोध में बोलते रहते हैं, आपका बताइए कि आप लोगों कार्यकाल में कितना काम हुआ। तो बताया कि मैं मृगेंद्र प्रताप बाबू के समय से यहाँ पर हूँ और सरजू राज जी कार्यकाल देखा, लेकिन हम लोग बीजेपी के नेता होते हुए बोलेंगे कि अगर काम होता है हनक के साथ अगर काम कोई करता है तो वो बन्ना गुप्ता करता है। ये मेरा कांग्रेसी भैया का बात नहीं है, ये एक बीजेपी लीडर्स का बात है जो बोले कि ऑफ द रिकॉर्ड बताए। ये सारी बातें हैं, हमने अपने प्रत्याशी के जो उपलब्धता किए हैं, जो प्रचार प्रसार तरह पे हो रहा है तो उसको बताया। अगर आप लोग कोई सवाल है तो आप लोग हमसे पूछेंगे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।